हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो और हैप्पी नवरात्रि। कल भी बोला था लेकिन आज भी, क्योंकि अभी नवरात्र शुरू है तो आज सेकंड नवरात्रा है जो कि मेरा फास्ट है। और कल तो प्रांकी ने भी फास्ट रख लिया था क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने उसको क्या फ्रूट्स में वन बनाना और साबुदाने की खिचड़ी ये बना के दी थी। और घर पे आने के बाद उसने हम लोगों ने दही आलू खाए तो उसने भी दही आलू खाए, तो उसका कम्प्लीटली फास्ट हो गया कल का। पहली बार उसने रखा क्योंकि हम लोग भी ऐसे क्या फोर्स करना बच्चे का। वैसे भी कल उसने बिस्किट भी मांगा लेकिन फिर जब उसके बोला कि प्रांकी आधा दिन तो क्या 3 साढ़े 3 बजे तो बज ही जाते हैं आने में स्कूल से, कि अभी रहने दे थोड़ा सा तो रह गया है, तो कह रही अच्छा ठीक है, मतलब मान गई। वरना नहीं मानते हैं ना, क्योंकि पहले तो वो नहीं मानती थी, उसको भूख लगी है तो लगी है, खैर बच्चा है थोड़ा छोटा है तो होता ही है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है बच्चे के साथ। लेकिन हाँ, कल उसने पहली बार अपना फास्ट कंप्लीट किया, फुल कंप्लीट। और आजकल मैं मुझे ना यहाँ पिगमेंटेशन हो गई, जिसे झाइयाँ हो जाती है ना हल्की हल्की, ये शायद हल्का सा ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कभी कभी ज्यादा से दिखाई देने लगती है और आजकल मुझे ज्यादा लग रही थी। वैसे ज्यादातर ये मतलब हो जाती है क्योंकि मुझे बिना जब प्रांकी का बर्थ हुआ था उसके बाद से थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दिया था, बीच में कुछ कुछ लगाया तो ठीक हो गया, और लेकिन अब फिर से दिखाई दे रहा है यहाँ। तो मैं आजकल क्या यूज कर रही हूँ वो बताती हूँ, जो कि ये है मामा अर्थ का प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। मैंने सुना था काफी इसके बारे में, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इसको यूज करके देखती हूँ कि कैसा है ये। 4 इवन टोन स्किन को इवन टोन करने के लिए है और जो पिगमेंटेशन होती है उनको रिमूव करने के लिए है, ऑल स्किन प्रोडक्ट है ये। इस पे और काफी मतलब स्मेल इसकी काफी अच्छी है, अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको यूज किए हुए, लेकिन आई होप कि इससे ठीक हो जाए। काफी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं मामा अर्थ के और नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो इसको यूज करके देखते हैं। फेस क्रीम है ये, दिन में 2 बार लगानी होती है लेकिन कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, हो जाता है कभी कभी, मतलब इनके चक्कर में ये भाई साहब जो है तो कभी कभी हो जाता है कि मतलब एक ही बार यूज हो पाती है तो, पर हाँ एक बार तो मैं जरूर करती हूँ। क्या कर रहे हो क्रियांश, क्या करते हो तुम? ये जो है ऑल स्किन के लिए है और इस मिनरल ऑयल और पैराबिन फ्री है, जो कि कोई हार्म नहीं करेगी। मेलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी है इसमें क्रीम में, जो फेस क्रीम है, और मेड इन इंडिया है, सबसे अच्छी चीज है और नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको यूज करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है इसका। काफी सुना है मैंने इसके बारे में तो मैं आजकल इसको ही यूज कर रही हूँ। आई होप कि इससे ये ठीक हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे कभी कभी ज्यादा लगता है ये, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा ये है एरिया। वैसे जो पिगमेंटेशन होती है ना, जो झाइयाँ होती है वो यहाँ होती है या फिर नोज पे होती है? नोज पे मेरे नहीं है, सिर्फ यहाँ थोड़ा थोड़ा अभी शुरू हुआ है, बीच में हुआ था लेकिन ठीक हो गया था। आजकल देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट रहता है। एक बात पता है, ये प्रांकी ना पूरे डोर को डेकोरेट करती रहती है, पता नहीं क्या क्या लगाती है। यहाँ उसने ना स्माइली बनाई हुई है और ये स्माइली बनाई हुई है, दूर से देखो ना तो बहुत अच्छी भी लगती है, लग रही है, ये उसने खुद बनाई है। स्कूल से आने के बाद ना अपना कुछ होमवर्क करती है और खाना पीना खाती है, तो उसके बाद तरह तरह की ना एक्टिविटी करती रहती है और साथ में इसको भी लगा के रखती है क्रियांश को, तो इसका भी अच्छा टाइम पास हो जाता है। और हाँ, लड़ते भी हैं बहुत ज्यादा, बहुत लड़ते हैं दोनों। गुस्सा हो गए मुझसे, नाराज हो गए? हाँ, आप मुझसे बात नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आप छोटा, आप छोटे हो इसलिए बात नहीं करोगे? अच्छा मैं भी छोटा। तो जब बड़े हो जाओगे जब करोगे? हाँ। अब जब तक छोटे रहोगे तब तक नहीं करोगे? नहीं। अब तो बड़े होने में इतना टाइम है। हाँ। तब तक नहीं करोगे? मामा थर्टीन वो जब आता हाँ हाँ थर्टीन है। अच्छा, जब ये सुई 13 पे जाएगी वॉच की तब बात करोगे? हाँ। 13 पे भी आती है क्या वॉच? हाँ।
अच्छा अरे आ गई क्या? हाँ। अब बात करोगे? नहीं। अभी तो तुमने कहा था जब 13 पे आएगी तो बात करोगे, अभी बात नहीं कर रहे हो क्यों? तो आ गई 13 पे सुई, आ गई। हाँ। अभी बात कर लोगे अब? हाँ। ठीक है। मुझसे अब तो नाराज नहीं होगे? हाँ खुदी के से? हाँ। ये कह रहा था कि जब तक 13 पे सुई नहीं आएगी तब तक ये मुझसे बात नहीं करेगा, अभी 13 पे सुई आ गई है तो ये मुझसे बात कर रहा है। ये है इनके नाटक, छोटे से बच्चे के नाटक ऐसी करता है ये परेशान पूरा दिन। यहाँ लिए है मैंने खीरे जिनको मुझे अभी पील करना है और उसके बाद इसको कद्दूकस करना है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ खीरे का रायता। ये है दही कर्ड जो कि मैंने ना रात को जमा के रखी थी फ्रिज की थी, और ये कुकुम्बर इसमें ऐड करना है, बाद में इसमें तड़का लगाना है क्योंकि इसको कुकुम्बर वगैरह को फास्ट में खा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा ठंडा भी रहेगा और इसका रायता बना लेते हैं। अगर ये टाइट लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें क्योंकि हाँ मुझे भी लग रहा है। यहाँ मैंने इसको ना थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा ठीक कर लिया, मतलब पतला कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट था, तो इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी रेड चिली। आप तीखा खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करें। और यह है सेंधा नमक जो कि फास्ट में खाते हैं क्योंकि नॉर्मल जो नमक होता है सॉल्ट होता है वो नहीं खाया जाता है फास्ट में, सिर्फ सेंधा नमक ही खाते हैं फास्ट में। तो अभी मैं इसमें लगाने वाली हूँ तड़का, सिर्फ मैं इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी। बस मैं यहाँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज किया है जो कि फास्ट में खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल और जीरा ऐड किया है। बस ये हो गया है तड़का हमारा, मतलब रायता रेडी। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा गर्मी भी होती है ना तो उसमें भी मतलब ठंडा होता है, ये दही भी ठंडा होता है और कुकुम्बर है वो भी ठंडा ही होता है तो इसलिए, और आलू वगैरह की सब्जी खाते हैं तो वो आलू थोड़ा गर्म होता है ना तो उसमें हेल्प करता है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाता है, अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। यहाँ बना रही हूँ मैं साबुदाने की खिचड़ी जो कि इसमें साबुदाना है जो मैंने भिगो के रखा हुआ था नाइट में, और इसमें 1 पोटैटोज है, बॉयल पोटैटोज है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को हीट होने के लिए रख दिया था, अभी इसमें ऐड करना है जीरा, तो हल्दी तो यूज नहीं करते हैं तो जब ये जीरा ठीक से हो जाए ना उसके बाद इसमें ऐड कर देना है साबुदाना, थोड़ा सा मसाला जैसे थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, और मैं इसमें ग्रीन चिली यूज नहीं कर रही आज, मुझे थोड़ा तीखा खाने का मन कर रहा है तो रेड वाले चिली खाने का मन कर रहा है, इसलिए आप चाहें तो रेड ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जो कि सेंधा नमक है फास्ट में खाने वाला है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत अच्छी लगती है चाय, मैंने जो लास्ट वाले नवरात्रि थे ना तब भी मैंने शायद शेयर की थी आपसे, आई से हाँ की थी मुझे ध्यान है क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें खाई जाती है ना नवरात्र वगैरह में, मतलब जब फास्ट होता है तो मोस्टली साबुदाने की पकौड़ी है या फिर खिचड़ी है या फिर खीर है, ये सब लोग बनाते ही हैं। तो आप लोग भी ना एक बार ट्राई कीजिएगा, इसको बहुत जल्दी भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है। अभी इसको मैं थोड़ा कवर करके रख दूंगी, मैंने इसको ना कवर करके रखा है 2-3 मिनट के लिए ही रखना है और गैस को स्लो ही रखना है वरना जल जाएगा। यहाँ साबुदाने की खिचड़ी रेडी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेती है, आराम से बनाती है और बिस्की बिस्की बनी है, एकदम से बड़ी अच्छी लग रही है ये। तो अभी एंजॉय कीजिए साबुदाने की खिचड़ी और साथ में रायता, बहुत ही यम्मी लगता है। मैं तो चली खाने, बहुत तेज भूख लगी है अब।
ये रही खिचड़ी और ये रहा रायता। तो एंजॉय कीजिए और यही एंड होता है आज का ब्लॉग। मिलते हैं बाद में, मतलब कल आई थिंक आई होप कि कल भी मैं ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि नहीं बन पाता है, नहीं शूट हो पाता है। सो बाय बाय एंड टेक केयर और एंजॉय कीजिए अपना फूड आप भी।